आज गोवत्स द्वादशी है, इसे वच पारज भी कहते हैं। और आज के दिन गोमाता और बछड़े की पूजा अर्चना की जाती है। यह पारंपरिक जो पर्व है, यह एक भारतीय संस्कृति में बहुत ही अनूठा और प्रसन्नता वाला पर्व है कि इस दिन जो भी माता बहनें गाय और बछड़े की पूजा करती हैं, उन्हें संतान सुख तो मिलता ही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें उसकी रक्षा भी होती है। आज के दिन हम सिन्हा जी मंदिर आए हैं और यहाँ पर आप नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं वो गाय माता की पूजा कर रही हैं और सभी यही कामना कर रही हैं कि जो उनकी संतान हैं उनकी भगवान ठाकुर जी रक्षा करें, गौ माता रक्षा करें। और जिस तरह से गौ माता अपने बछड़े की रक्षा करती हैं, उसी तरह से उनके भी जो संतान हैं उनकी भी गौ माता और ठाकुर जी रक्षा करें और खूब समृद्धि हो। और जिस तरह से देश और दुनिया में कोरोना का प्रभाव है वो पूरी तरह से ख़त्म हो और सुख शांति और वैभव पूरे देश और दुनिया में बढ़े। भारतीय परंपरा अनुसार सभी व्रत और जो भी आयोजन होते हैं वो विश्व शांति के लिए, विश्व समृद्धि के लिए होते हैं, न कि क्षेत्रीय जातीय या अन्य के लिए होते हैं। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। Yeah.
बछड़े की पूजन करते हैं और माँ और बेटे के संबंध के ऊपर ये पूजा होती है। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन का मतलब है कि गाय और बछड़े की पूजा करते हैं और माँ बेटे की भी आज के दिन ही पूजा होती है। क्या कामना करते हैं आप? कि हमारे मेन ये पूजा अपने बेटे की माँ करती है और इस दिन है ना माँ अपने है ना बेटे के लिए बड़ी उम्र की कामना करती है, इसलिए ये पूजन किया जाता है। मांगा था 15 साल तक मुझे बछड़ा हुआ छोटा सा, गाय माता की जय हो। मेरा नाम पिया है, हम यही कट्टागढ़ पे रहते हैं, गौ माता की पूजा करने आए हैं। सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये और बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छे से हो गया, खाने सब हो गया, ये सब हमारे साथ में पूरा परिवार है। जय श्री कृष्ण। हाँ आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम बताओ। ये नहीं कह रही कि आप बहुत से लोग सब लोग मेरा बॉडी मानो, लेकिन दूध पीते तो कुछ मिलना तो मानो और उनकी रिस्पेक्ट भी दो। थैंक यू। माता है इसकी, नाम बताओ जी। बताओ आज वर्ष 12 से आज के दिन सभी महिलाएं गाय की पूजा करती है, बछड़े वाले गाय की, और घर पे मूंग चने बनाते हैं और अपने पुत्र को पोला देते हैं और मक्की की रोटी खाते हैं, कटा हुआ नहीं खाते हैं, चाकू से कटा हुआ नहीं खाते हैं और कहानी सुनते हैं, मक्की की रोटी खाते हैं। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कामना कर रहे हो आप? बच्चों के अच्छे के लिए कामना कर रहे हैं, घर की प्राप्ति के लिए गाय की पूजा करते हैं। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? बस सब कुछ अच्छा हो, गई माता के आशीर्वाद से हमारा बच्चे अच्छे रहे। वाह साहब वाह। बताए आज गाय की पूजा करी। हाँ गाय को पूजने गए सब ने, व्रत रखते व्रत रखने वाले व्रत रखते और चने और मूंग खाते, रोटी खाते, मक्की की खाटा खाते। हाँ आप बताओ आपने किस तरह से पूजा की? क्या नाम है आपका? नीलम। हाँ गौ माता की पूजा की हमने। हाँ जा जाके वहाँ खाना ना बनाते, गौ माता की पूजा करके आए हैं। जी बताएं। आज बछ 12 है, आज के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और साथ में ओकड़ा की भी पूजा की जाती है और ये पूजा अपने बच्चे की रक्षा के लिए की जाती है। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? बछ 12 है, आज बच्चों की रक्षा के लिए पूजा की जाती है गाय और बछड़े की। आप बोलो। आज बछ 12 है, आज गाय बच्चे अपने बच्चे की रक्षा के लिए गाय और उसके बच्चे की पूजा की जाती है। जैसे जिस प्रकार से गौ माता ने अपने बच्चे की रक्षा की थी उसी तरह से गौ माता सबके बच्चों की रक्षा करे, बस इसी मनोकामना के साथ आज के दिन पूजा की जाती है। ये आज वर्ष 12 कहानी कही जाती है, पूजा की जाती है और गेहूँ और चने और मक्की की रोटी खाई जाती है, हम खिड़की का और चक्कू से काटा नहीं जाता है और वर्ष 12 आज चक्कू से इसलिए नहीं काटा जाता है, बहू ने गौला कौन दिया था। जी आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? और अपने बच्चों को नारियल जलाते तिलक करते हैं और गौ माता से प्रार्थना करते हैं जैसे आपके बच्चे दौड़ रहे जैसे हमारे बच्चों को भी दौड़ाते रहना और इनकी खुशी देना बच्चों को। ऐसे वर्ष 12 की पूजा की। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? आज वर्ष 12 वर्ष 12 के दिन आज ना अपने गौ माता की पूजा करते, बच्चों को नारियल वगैरह जलाते हैं, गेहूँ की रोटी नहीं खाते। आप बताओ आज बस 12 से आज गौ की पूजा करते हैं, बछड़ों की पूजा करते हैं और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए गाय की पूजा की जाती है, आज मक्की की रोटी खाते हैं, चप्पल से नहीं काटते। आप सब ले ली तू चप्पल। मेरा नाम शालिनी दशोरा है। आज बस 12 की पूजा की हम लोगों ने, हम लोगों ने पूरा मास्क वगैरह लगा रखा है, सैनिटाइजेशन का पूरा पालन किया।
सब लोग सेफली रहें और कोविड से दूर रहें पूजा के दौरान भी। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तानी कल्चर के साथ साथ हमको कोविड से सुरक्षा रखनी है और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है, दूरी बनाए रखनी है, तो ठीक है, पर मास्क जरूर लगाना, बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उनको तो कंटिन्यूस लगाना ही है। बहुत अच्छा, आप बताओ। आज बजबारस का दिन है, महिलाएं अपने सुहाग और पुत्र प्राप्ति के पुत्र की अमर उम्र के लिए कामना करती है। आज के दिन मक्की जो मक्की गेहूँ मक्की चना और मूंग खाए जाते हैं। मूंग और चने को रात को भिगो के सुबह बनाए जाते हैं। मक्की की रोटी बनाई जाती है, साथ में ज्वार फली की सब्जी बनाई जाती है और गाय और केड़ी दोनों की पूजा करी जाती है और सुख शांति संपत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। बहुत हमको गौ माता की पूजा करना है आज। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा। और इसमें गाय के बछड़े की पूजा करते हैं बेटे के लिए। हम तो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं और यहाँ पे आए हम गौ माता की पूजा करने के लिए। हम सबने पूजा की, बहुत अच्छा लगा, कहानियाँ सुनी, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। ये हम हमारी सबकी हमारी सहेली है और हम सब मिलके हर समय पूजा करते हैं और हम सब साथ में ही जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बोलो क्या कहना है? हाँ बोलो जी, मैं बोलो। आज हमने गाय और बछड़े की पूजा की। इस पूजा से हमने संतान सुख और पुत्र और संतान की वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। बहुत अच्छा लगा हमको गाय और बछड़े की पूजा करके। आज वस बारस पे आपने क्या किया? नाम है आपका? मेरा नाम मेघा सोनी है। ये मेरी फर्स्ट पूजा है वर्ष की। अब हम करेंगे, हम अभी आए हैं, अब हम पूजा करेंगे यहाँ मंदिर में, शिनाथ जी के मंदिर में। बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ पे बहुत लेडीज पूजा कर रही है। और कामना क्या करते हो भगवान? मैं तो यही कामना करती हूँ भगवान से कि सबके लिए सब अच्छा हो, सबकी कामना पूरी हो, सबके लिए सब अच्छा हो। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? ये क्या कामना है मेरी, भगवान सबको अच्छा रखे, बस भारत माता सभी को अच्छा रखे। से इस दिन गाय और बछड़े की पूजा करते हैं और अपने बच्चे के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। और आपने ये क्या सुनाया? कहानियाँ सुनी। क्या क्या कहानी सुनी? क्या क्या सुनाया? गाय और बछड़े की कहानी, पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब बताया। जन्माष्टमी के पश्चात द्वादशी वज बारस का त्यौहार है और आज सिनाजी मंदिर उदयपुर में हमारे परिवार से भैंसाब का स्वास्थ्य लाभ होने के पश्चात गौदान का कार्यक्रम किया गया। गौदान की गाय की पूजा की और आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस अवसर पर कई वैष्णव जन यहाँ पर, क्योंकि गाय की बार पूजा भी हो रही है, उस हिसाब से यहाँ पधारे हुए हैं और ठाकुर जी के पढ़ने का दर्शन हुए। बहुत ही आनंद का क्या किया है आपने? आज गोवर्धन बटवारा से गाय की और बछड़े की पूजा करी जिससे सबका मान सम्मान बढ़े, सब जो तकलीफ है वो दूर हो, सब जगह समृद्धि सुख समृद्धि बढ़े। गौ माता बछड़े की पूजा करते हैं आज के दिन। सास बहू थी तो सास ने बहू ने पूछा कि कहना है आपका? आज वस बारस है, वस बारस के उपलक्ष में हमारे माता गौ माता की पूजा करती है और हमको उसके गोला मिलता है। आज के दिन हम क्या है, मक्की की रोटी और चने मूंग कड़ी ये खाते हैं। तो और आपको क्या प्रसन्नता है? हमें बहुत खुशी होती है कि गौ माता की पूजा हमारी माँ खुद करती है, सेवा करती है। और आपको क्या मिलता है? हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है और गोला मिलता है। वाह वाह। और जो
माता है और जो बेटे का त्यौहार है, ये तो गौ माता की पूजा है, बहुत सबसे बड़ी पूजा है जो गौ माता की है। हाँ वाह, और क्या कामना करते हो आप इस पर्व पे? अच्छी कामना करते हैं, कामना करते हैं बेटे की भी, बेटे की लंबी आयु हो, स्वाग अमर हो, स्वाग लंबा रहे हमारा, पूरा परिवार सामने खुश होना चाहिए। वाह देखा, गाय दामोदर मैया की जय, कृष्ण मुरारी काकी दादी की जय, जय भगवान लाल की जय। वो जो हाउ जी ये देखो ठीक है, वो मैं तो यूं नहीं क्यों, मैं तो जो गूँ जो वापिस दीजिए घायल आते, मैं तो गौलो जो लो हूँ जाना बच्चा में काटे वारे पूजा की कहती है। एक बार एक सासू में बहुत ही सासू में खेत में जा रही थी, तो उन्होंने कहा सा बहुत से खेती गई थी तो किसकी इसको राम दादा जो है आंदा, तो फिर उसने बछड़े बछड़े के बछड़ों का नाम था चौला और सबला, तो उसने उन दोनों को बांट के उसको बना बना दिया। तो सासू मैंने आके देखा खेतों से तो दोनों बछड़े नहीं दिखे उसको, तो कह रही थी बछड़े का गए, उसने पूछा गया आपने बांट के क्यों गए थे, आंवला सावला घी की सब्जी बना देना, तो मैंने उनको काट के बना दी, तो वो घी से फिर उन्होंने काटा वाला नहीं खाते, तो उनकी इसलिए इसकी पूजा करते थे।